ये लड़का हमारे काम आ सकता है। हेलो, यस बॉस। मैंने तेरे मोबाइल पे एक फोटो भेजी है, सिंघानिया के दामाद की फोटो, क्योंकि आज तक सिंघानिया ने अपने दामाद को कभी किसी के सामने नहीं लाया है, हमेशा उसे छुपा के रखा है। मैंने तुझे उसकी फोटो भेजी है। सिंघानिया या उसकी फैमिली या उसकी बेटी पूर्वी कोई भी मिले, उसे अपने कब्जे में ले, और ये धमकी दे कि हम सिंघानिया के दामाद को मार देंगे। जैसे ये धमकी उसकी फैमिली वाले सुनेंगे ना, वो भागे भागे आएंगे, और जैसे ही वो लोग सब एक जगह इकट्ठे होंगे, तू एक एक करके सबको गोली मार देना। जितने ज्यादा बड़े लोग मरेंगे ना, उतनी ही ज्यादा दहशत फैलेगी, और जितनी ज्यादा दहशत फैलेगी ना, उतना ही हमारा काम आसान होगा। जाओ, ऐसी दहशत फैलाओ कि आने वाली पुश्ते तक कांप जाए। जाओ मेरे सिपाही, जाओ। समझो, जैसा आपने कहा वैसा हो गया। ये तो वही आदमी है जिससे मैं टकराया था। इसी ने मुझे धक्का मारा था, इसे तो मैं नहीं छोड़ूंगा। देखिए, आप सब यही रहिएगा, यहां से बाहर मत निकलेगा जब तक हेल्प नहीं आती। ओके, जस्ट स्टे हियर, मुझे जाना होगा। बाहर बहुत खतरा है। खतरा है, लेकिन वहां पे बहुत ऐसे लोग हैं जिनको बचाने की जरूरत है। वहां पे एक ऐसे इंसान है जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और वो एक मीना कुमारी भी है, उसको बचाना है। उसका नाम मीना कुमारी नहीं है, मुझे उसका नाम नहीं पता, बट मेरा बाहर जाना बहुत जरूरी है। लेकिन आप लोग प्लीज मत हिलिएगा अपनी जगह से, यही रहिएगा जब तक कोई आता नहीं। ओके, एक मिनट, मैं आपसे कुछ मांगू। मुझसे क्या? मेरा प्यार, मेरी लाइफ, मेरे होने वाले हस्बैंड, वो वहां बाहर है, क्या आप प्लीज उन्हें ले आएंगे मेरे पास? उन्हें कुछ मत होने देना, उनसे कहना कि मैं उनका वेट कर रही हूं, उनके बिना मैं नहीं जी पाऊंगी। बहुत प्यार करती हूँ उनसे। पता नहीं, पर उनके बिना जीना ही नहीं आता। वो साथ होते तो मैं सांसें फील कर पाती हूँ, नहीं तो आज हमारी शादी थी, बहुत खुश थी मैं, मेरा प्यार आज मेरा हो जाएगा। पर देखो, किस्मत धोखा दे गई, तुम ही मेरी आखिरी उम्मीद हो। प्लीज सैंडी को कुछ मत होने देना। उम्मीद मत करो, भरोसा करो, और मुझ पे भरोसा मत करो, अपने प्यार पे भरोसा करो। तुम्हारा जो ये प्यार है ना, उसके अंदर इतनी ताकत है कि वो तुम्हारे सैंडी को कुछ नहीं होने देगा। अगर खुदा ना खास्ता उसके सामने कोई मुसीबत आ भी गई ना, तुम्हारा ये प्यार उसके सामने कवच बन के खड़ा रहेगा और उसको कुछ नहीं होने देगा। कभी बताया सैंडी को कि तुम इतना प्यार करती हो उससे? बताना चाहिए था ना। तो डरो मत, मैं जब सैंडी को तुम्हारे पास लेके आऊंगा ना, उसको अच्छे से बता देना। और तुम्हें पता है वो यहाँ पे क्यों आएगा? मैं कुछ करूंगा इसलिए नहीं आएगा, क्योंकि तुम्हें अपने प्यार पे, मुझ पे इतना विश्वास है। तुम्हारा प्यार उसको खींच के यहाँ पे लेके आएगा, और जब वो यहाँ आएगा तो उसको सब बताना कि तुम उससे कितना प्यार करती हो, और प्यार से जीना उसके साथ। कई बार ना हम जिनसे प्यार करते हैं उनके साथ ना वक्त ही नहीं बिता पाते, इस बात का पछतावा होता है कि काश उनसे कह दिया होता कि हम उनसे कितना प्यार करते हैं, काश उनके साथ दो पल और बिता लिए होते। मैं तुम्हें ऐसे कहीं जाने नहीं दूंगा, चाहता हूं तुम मेरे साथ रहो, मेरे पास रहो।